बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1। तो ग्राफ़ इसका नहीं बनाते हम, ग्राफ के बगैर ही इसको सॉल्व करते हैं। क्या काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि इस ग्राफ का मकसद क्या होता है और किस तरह इसको लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फंक्शन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ पावर रूल यूज़ करते हुए निकाल सकें, हमें प्रोडक्ट रूल की तरफ ना जाना पड़े। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी फार्मूला ओपन किया, और साथ x माइनस 1 है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 ज़ा 4x इंटू एक्स माइनस 1। एक बार एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 और फिर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, इस तरह माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 1 प्लस 4x, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में और एक प्लस में, ठीक आ गई हमारे पास वैल्यूज़। अब इसको तरतीब से लिख लेंगे, और जो एक्स क्यूब वाली है उसको एक्स क्यूब के पास, एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर के पास, और ऐड करते जाएंगे। एक्स क्यूब की एक टर्म है तो एक्स क्यूब वाली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, 4x प्लस 4x मिलकर हो जाएगा 8x और माइनस 4, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन का क्या बन चुका है, ग्राफ बन चुका है। अगेन इस ग्राफ की भी जो शेप होगी, क्योंकि डिग्री 3 है तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इंक्रीज़ हो रहा होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा। तो जितनी मतलब डिग्री होती है, अगर डिग्री 4 है तो उसमें आपके पास एक लेस कर दे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट, डिग्री 2 होगी तो 1 क्रिटिकल पॉइंट, और इस तरह अगर डिग्री 3 है जैसे कि नज़र आ रही है, एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या लेते थे, फर्स्ट डेरीवेटिव लेते थे सबसे पहले। इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 5 इंटू 2x, 8x का डेरिवेटिव आएगा 8, और आगे नहीं लिखने की ज़रूरत। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स का आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब हमने क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो सा है वो इक्वल है 0 के, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब तीन मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि कौन सा इस बार हमारे पास सूटेबल है। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को आप प्रेस करेंगे मेन्यू का बटन, मेन्यू के बाद यहाँ से नीचे आएंगे और ए पर लिखा आता है इक्वेशन, तो आप प्रेस कर देंगे ए का बटन। साइमल इक्वेशन है या पॉलीनोमियल इक्वेशन है तो क्या प्रेस करेंगे 2। याद रखना है ये कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पेपर में अलो होता है, जस्ट आप बच्चों के पास क्योंकि ओरिजिनल कैलकुलेटर होते नहीं है इसलिए आप इस सहूलत से महरूम रह जाते हैं। तो पॉलीनोमियल इक्वेशन डिग्री 2 तो क्या प्रेस कर देंगे 2। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 3 लिखेंगे और इक्वल का बटन, फिर x के साथ लिखा हुआ है माइनस 10 तो माइनस 10 लिखेंगे और इक्वल का बटन, और लास्ट में है 8 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे एग्जैक्टली मैंने इक्वेशन लिख दी है। इक्वल का एक बार फिर से बटन प्रेस करेंगे तो एक एक्स का आंसर आ रहा है यहाँ से 2, और एक एक्स का आंसर आ रहा है 4/3। तो ये दो आंसर्स आ चुके हैं। अगर आंसर इस शेप में आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मिड टर्म ब्रेक है। तो मिड टर्म ब्रेक तक कैसे जाना है, क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेबल्स इतने ज़्यादा नहीं आते होते कि वो क्विकली मिड टर्म ब्रेक तक अप्रोच कर सकें, तो मैं रिवर्स टेक्निक से इसको सिखाता हूँ आपको। प्लस 2 है यहाँ पर, एक्स इक्वल के इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2, और इधर बचेगा 0, इधर बन जाएगा 3x
पीछे बचेगा इक्वल है प्लस फोर, तो प्लस फोर इक्वल किस साइड पर आएगा, तो माइनस फोर, और इधर बचेगा ज़ीरो। एक बार x माइनस टू लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे 3x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बार x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस फोर से, x इंटू 3x माइनस फोर, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू किस से, 3x माइनस फोर से, x इंटू x 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस फोर माइनस 12x, 3 टू ज़ा 6x, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप मिड टर्म ब्रेक तक पहुंच गए हैं। 10 को हमने कैसे ब्रेक किया है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे से गलती होगी है, 4 इंटू 1 तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस 4 आता है, तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 बन जाएगा, 8 थ्री ज़ा 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 एंड 8 थ्री ज़ा 24, और 6 फोर ज़ा भी क्या होता है 24, माइनस माइनस प्लस। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक और रिवर्स टेक्निक यूज़ करते हुए आप आ जाएंगे। खैर, हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल चुके हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 बाई 3। तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर किस पर मैक्सिमम वैल्यू है और किस पर मिनिमम वैल्यू है। तो ये लिखते हैं हम यहाँ पर, और सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं साथ, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। 3x स्क्वायर मतलब 6x आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x होता है, तो 3 टू ज़ा 6, और 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 10। एक बार पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, और एक बार पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 बाई 3। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं 2, तो आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 10, 6 टू ज़ा 12, 12 में से 10 जाएं तो पीछे बचता है आपके पास 2। 2 क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पर जो एग्जिस्ट करेगी वो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब x इज इक्वल टू 4 बाई 3 पर ट्राई करते हैं, 4 बाई 3, इधर भी आ जाएगा 6 इंटू 4 बाई 3 माइनस 12, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8 माइनस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा रिलेटिव मैक्सिमम, यानी कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 4 बाई 3 पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जबकि x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर फंक्शन पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास सबसे कम वैल्यू आएगी, जिसको रिलेटिव मिनिमम कहेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं माइनस टू बी और प्लस टू बी। तो जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक बार पुट करूंगा एक्स इज इक्वल टू 2, और एक बार पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 3। 2 पुट करने पर क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0 होता है, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो भी क्या हो जाती है 0, तो f ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा 0। जबकि 4 बाई 3 पुट करते हैं इसमें, f ऑफ 4 बाई 3, इधर आ जाएगा 4 बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर और 4 बाई 3 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 6 बाई 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 बाई 3, ठीक है। 4 में से माइनस करेंगे जब 6, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 बाई 3 का स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाई 3 से, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इधर आ रहा है 1 बाई 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 3 पर, 4 वन ज़ा 4 और 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे एट द एंड सॉल्यूशन के तौर पर। तो क्या आता है, फंक्शन हैज़ रिलेटिव, ये थी आपके पास नेगेटिव में थी, नेगेटिव का मतलब था, सॉरी ये यहाँ पर था अलग किया हुआ है, हाँ, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम। तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है एक वैल्यू से रिलेट करते हुए दूसरी, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 विच इज़ f ऑफ 2 इक्वल टू 0। इसी तरह लिखेंगे फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू
at x is equal to 4 by 3, which is f of 4 by 3 is equal to 4 by 27. तो अब देखते हैं बुक के एंड से आंसर मैच करते हैं, क्या यही आंसर है? ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी और क्वेश्चन की गलती, तो यही आंसर बुक के एंड पर लिखा हुआ है. फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 3 जो कि 4 बाई 27 है, और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 2 जो कि 0 है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक क्विकली पहुंच सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. इससे हमारा सोशल सर्कल इंक्रीज़ होगा, दूर तक वीडियोस जाएंगी और सबको फ़ायदा पहुंचेगा. थैंक यू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.